हम सब लोगों के बीच में आज हमारे इंटीमेट गेस्ट इस बिल्डिंग के इस ऑफिस के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट श्री एनोबुल करीम जी। फिल्म को भी बनाया, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला इनको और इन की तरफ से अनुदान लेकर तो पिक्चर दिया गया करने के लिए। उसमें जो कुछ अंश नाट्य को पा लिया उन्होंने उस चीज को सेक्रीफाइस भी नहीं किया, बोला कि भाई मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है और उस तरीके से एक सिद्धांत को लेते हुए भी चले। और आज हम लोगों को गर्व है कि इस तरीके के वहाँ एक बुढ़ी व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है और हम सब इसे बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अब छोटा सा इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ। मैं ढाका गया हुआ गाड़ी में सफर कर रहे थे, तब एकाएक बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मन मोह लिया। वो बिल्डिंग रास्ता चलते चला गया लेकिन नजर रुकते चली रुकते रही और वो बिल्डिंग खुल गई थी। वो मुझे कहना ये हम आपके सामने पेश करेंगे। हे बंग ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ঝিকি পয়সা ধারে না যে। आर्किटेक्चर के बारे में ये मानते हैं कोई खान का कहना है आर्किटेक्चर इज द रीचिंग ऑफ द ट्रुथ, ये सब की एक खोज है। निर्जर जी को मैं इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि सत्य की खोज में है और उस सत्य की खोज में कई कई आयाम इन्होंने पार किए हैं, कई कई फैसेटेड मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ये जो सत्य की खोज में है और जो इनके हिसाब से सत्य है उससे बिल्कुल विचलित नहीं होते, पीछे नहीं हटते हैं। निर्जर जी एक अवार्ड विनर है, ये शायद इनकी आदत है, अवार्ड्स जीतना इनकी आदत है, क्योंकि जब पूरे दिल से जो अपने हृदय और प्राण प्रस्तुत करते हैं, जो भी इनकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि वहाँ के लोग ये नहीं करते हैं कि भाई इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, जब मैं कर रहा हूँ तो ये बेस्ट ही होगा। ये जो आपने बिल्डिंग भी जो देखी नीना काबो, इस पर इनको अवार्ड भी मिला था, इसी बिल्डिंग के ऊपर मिला था, और भी इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, 6 एक्सीलेंस इन आर्किटेक्चर अवार्ड बर्गर की तरफ से उस बिल्डिंग के लिए मिला था। जैसा मैंने कहा ऐसे ही होता है, कन्वेंशनल वाले लोग नहीं है ये, आउट ऑफ द बॉक्स वाले लोग हैं, इसीलिए जिन्होंने अपना आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस के अलावा इन्होंने सोशल फिल्म किया, म्यूजिक एंड अदर क्रिएटिव प्रैक्टिस के कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म खड़ा हो जहाँ पर यंग क्रिएटिव लोगों को प्लेटफॉर्म मिल सके उनका अपना फ्यूचर बनाने के लिए। नोटेड फिल्म मेकर हैं, बांग्लादेश के जाने माने फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जाने माने आर्किटेक्ट हैं, जाने माने फिल्म मेकर भी। इनकी दो फीचर फिल्म्स आहा 2007 में और नमूना 2009 में, इनकी सॉन्ग्स पोएट्री पब्लिश है तो उसमें स्टोरीज और नैरेटिव ये उसको कंबाइन करते हैं, बिल्डिंग्स की सर्फेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और ग्राफिक्स वो सारे बिल्डिंग के फसाद पर ये कंबाइन करते हैं। हमने इनको नाम दिया नौ रत्न एक
एक मिनट लो क्वालिटी इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि निर्जर जी ऋषभ बॉयल के साथ में आके जुटे हैं, जिन्होंने हम लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया ताकि इस लेगेसी को जो हम लोग भी आगे सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा कालबा देवी से निकल के ये पहला ऑफिस हम लोगों का हो रहा है और जो हमारा जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाए ये हमारा ख्वाब है और उसमें निर्जर जी से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता था। I don't know how can I express, because we do things, we want to see this world in our way. We always try to give our effort from the bottom of our heart. But sometimes when we see this kind of respectful events and love from our other part, we say client, all of us will try to do maximum and going to see them with this smile. Finally. Okay, thanks.